जाते हैं, देश की सेना में जाते हैं। विधायक मंत्री है, सांसद है, किसी को पेंशन नहीं मिलना चाहिए। ऐसा होते रहेगा, ऐसा आपको रोज देखने को मिलेगा, हर एक स्टेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, हाथ में है उनके, और उसके बाद जो है हम दिखा रहे हैं बिहार के आरा से भारत में जिस तरीके से इंडियन आर्मी की बहाली के लिए जिस तरीके से अग्निपथ और अग्निवीर का स्कीम लाया गया, मात्र 4 साल के लिए सेना में रिक्रूटमेंट का जॉब लाया गया और 25% मात्र जो है अगले 16 या 17 साल के लिए एक्सटेंड किए जाएंगे, 75% कहां जाएंगे? सारे लड़के जो हैं यहाँ पे उतरे हुए हैं। बाकी नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसा एक भारत में रहना सिंह। तस्वीर देखिए, आरा बिहार के रेलवे प्लेटफॉर्म से हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो फ्यूचर जवान ऑफ भारत, यानी कि भारत में के सुरक्षा में योगदान करने वाले फ्यूचर जवान जो हैं वो आज रेलवे ट्रैक पे उतरे हैं। ये जो है जो आरा के जो भारत की सेवा करते वो आज रेलवे प्लेटफॉर्म पे हैं। तस्वीर हम आगे दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से ये लोग उतरे हुए हैं। ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा टीओडी स्कीम, तब तक हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन हमेशा होते रहेगा। ऐसा आपको रोज देखने को मिलेगा, हर एक स्टेशन पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये नहीं है, ये आप 4 साल की भर्ती ला करके आप बहुत बड़ा अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, या 21,000 रुपये सैलरी देंगे, फिर बाद में वही 9,000 रुपये जो आप हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं वही आप हमको 11,00,000 रुपये दे करके घर भेज देंगे। 4 साल में एक सही जवान नहीं बनता है सर, आप देश को चला रहे हैं। जब आप देश को चला रहे हैं तो आपको ये चीज़ जानना है कि 4 साल में आप एक अच्छे जवान नहीं बना सकते हैं। सरकार भी 5 साल के लिए आती है, चाहे बिहार में हो चाहे भारत में। सरकार भी 1 साल के लिए है, सरकार भी 1 साल के लिए है, विधायक भी 5 साल के लिए बनते हैं, जब एमपी भी 5 साल के लिए बनते हैं, मुखिया तक 5 साल के लिए बनते हैं। तो फिर हम पंचायत की मुखिया ही जो होती है ना वो 5 साल की होती है। इधर दीजिए जी, हम यही बोलना चाहेंगे, जब हमें पेंशन आप नहीं दे रहे हैं तो जितने ये विधायक मंत्री हैं सांसद हैं किसी को पेंशन नहीं मिलना चाहिए। जब आप आर्मी का पेंशन रोक सकते हैं तो इन विधायक का भी पेंशन आप रोक सकते हैं, किसी को पेंशन नहीं मिलना चाहिए। पेंशन सिर्फ आर्मी में होना चाहिए, डिफेंस फोर्सेज में होना चाहिए। विधायक मंत्री क्या है, आज हम लोग खड़े हैं तो विधायक मंत्री है, अगर हम लोग खड़े नहीं है तो विधायक मंत्री भी नहीं है। जिस दिन से तैयारी कर रहे हैं आप जी, हम 2017 से भर्ती देख रहे हैं, हम सर एनसीसी सर्टिफिकेट किए हुए हैं सर, अभी हमारा भर्ती फाइनल हो गया था, एक एग्जाम होने वाला था, आपने एग्जाम को रद्द कर दिया। किस बेसिस पे आपने एग्जाम को रद्द किया है सर, किस बेसिस पे किया है? एग्जाम कंडक्ट कराइए और जितनी पुरानी स्कीम्स थी आप उन सबको लाइए, वरना ये युवा चुप नहीं बैठेगा, हमेशा रोज रोज धरना प्रदर्शन होगा यहाँ पे डेली, देखते हैं कौन रोकता है हमें, क्योंकि जो आज अफसर बन के आ रहे हैं ना वो भी एक दिन युवा थे। जब तक लोग बात युवा का नहीं समझेगा तब तक युवा रोड पे खड़ा रहेगा, ट्रैक जाम करेगा, रोड जाम करेगा, अगजनी करेगा, हर चीज करेगा। देश की सेना में जाना चाहते हैं? यस सर। देश की सेना में जान निछावर कर दीजिएगा? कर देंगे सर। देश के लिए जान निछावर कर दीजिएगा? कर देंगे। कल भी आतंकवादी बनेंगे आप? बनचो तो जब देश के लिए सेवा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, आतंकवादी बन दिखाएंगे अगर बनचो तो? सुनिए, इधर सुनिए, अगर एक दिन कोई नेता मंत्री मरता है, अगर कोई एक दिन नेता मंत्री, सर क्लिप लीजिए आप, अगर कोई एक मिनट, अगर कोई युवा मंत्री कोई मंत्री मरता है तो हम लोग शोक मनाते हैं, आज हमारा 62 जवान मर गया उसका क्या? अगर कोई नेता मंत्री मरता है,
अगर कोई नेता मंत्री मरता है तो हम लोग शोक मनाते हैं। आज हमारे 62 शहीद हुए हैं, उसका क्या? लोग अपना जान दे दिए, आर्मी के लिए दिए हैं ना, वो भी एक दिन के जवान बनने वाले थे, वो भी चाहते थे कि हम देश का रक्षा करें। तो देखिए, देश की रक्षा के लिए ये जो जिस तरीके से कह रहे हैं, वो तिरंगा हाथ में लिए हुए हैं, हम दिखा दीजिए तिरंगा हाथ में है उनके, और उसके बाद जो है वो बौखला के, ये बौखलाहट जायज भी है क्योंकि जिस तरीके से जो भारत की सेना में जिस तरीके से अग्निपथ और अग्निवीर का जो स्कीम लाया गया है, उसके बाद जो है वो लगातार प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। बाकी खबर में इतना ही, आप जरूर अपनी राय दीजिएगा कितना सही है या कितना गलत है ये स्कीम, अग्निपथ और अग्निवीर का स्कीम जो है ये कैसा लगा और क्या चाहते हैं आप, जरूर कॉमेंट बॉक्स कीजिएगा, आपके कॉमेंट प्रतिक्रिया की हमें भी इंतजार रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये खबर देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करके फॉलो जरूर कर लीजिएगा। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।